शिवराज वीर शर्मा पर मानहानि का केस हुआ दर्ज, करोड़ों रुपए का लगा जुर्माना, मचा हड़कंप। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में भले ही सर्दी का सितम जारी हो, मगर इस कड़ाके की ठंड में मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारे इस वक्त गर्म है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ये मुकदमा कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने दर्ज कराया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के एमपी एमएलए का विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने विवेक तन्खा द्वारा दायर की पिटीशन पर सुनवाई की। बता दें कि तन्खा ने अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान हुई बयानबाजी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का परिवाद दायर किया था। और इसी पंचायत चुनाव भाजपा नेताओं की लगातार बयानबाजी सामने आ रही थी और विवेक तन्खा की याचिका के चलते ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। बता दें कि अधिवक्ता विवेक तन्खा ने उन्हें लेकर की गई टिप्पणियों से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया में किए गए कमेंट्स का ब्यौरा भी अदालत को दिया था, जिसके बाद जबलपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने बयान दर्ज करने के साथ ही धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमे का आदेश दे दिया है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।